अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, मैथ्स का काम बहुत मज़े से कर रहे होंगे। क्या आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट पसंद है? क्या आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है? ओह थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा था कल? हमने कल फ्रैक्शन पार्ट्स में कुछ चीज़ों को, कुछ शेप्स को डिवाइड किया था। क्या आपको याद है हमने किस तरह से फ्रैक्शन पार्ट्स को डिवाइड किया था? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हमने कुछ पार्ट्स को तीन या चार या पांच हिस्सों में डिवाइड किया था। और मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन पार्ट को लिखते कैसे हैं। शाबाश, आपको याद होगा, एक छोटी सी लाइन के साथ दो नंबर्स को सेपरेट करते हैं और उसी को कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट में लिखना, ठीक है? और ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है? न्यूमरेटर, वेरी गुड। और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को मेरी कही हुई बातें याद रहती हैं, सो नाइस स्टूडेंट्स। और इसी तरह से दिल लगा के पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम इन्हीं मैथ्स की कुछ एक्टिविटीज करते हैं, आए आप बहुत इंजॉय करेंगे। फ्रिक्शन पार्ट्स में डिवाइड करना, कलर करना, सब्ट्रैक्ट करना, सो नाइस। ओके, कम टू द पेज नंबर 40 एंड लुक व्हाट वी हैव टू डू। हमें इसमें करना क्या है, सोचें तो सही, देखें तो सही। हमारे पास इन द फॉलोइंग फ्रिक्शन सर्कल द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कुछ हमारे पास फ्रिक्शन पार्ट्स लिखे हुए हैं और कुछ में हमें न्यूमरेटर को सर्कल करना है और कुछ में डिनोमिनेटर को सर्कल करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए तो हमें पेंसिल की जरूरत पड़नी है। क्या आप सब रेडी हैं? क्या आप सबकी पेंसिल्स रेडी हैं? ओके स्टूडेंट्स, सो रेडी एंड कम। न्यूमरेटर्स कौन से होते हैं? द अपर नंबर, ऊपर वाला नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। सो सर्कल द अपर नंबर। 3/8 में न्यूमरेटर कौन सा है? 3। शाबाश, सर्कल इट, स्मॉल सर्कल, प्यारा सा, ओके। देन नंबर इज 2/5 में कौन सा है न्यूमरेटर? 2 है, वेरी गुड। 2/4 में भी 2 न्यूमरेटर है। ऊपर वाला नंबर हमेशा न्यूमरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। एंड द अदर इज 5/7 में भी 5 न्यूमरेटर है, वेरी गुड। बहुत आसान, मजा आया आपको करने में। चले अब नेक्स्ट जो नंबर्स लिखे हैं उसमें डिनोमिनेटर को सर्कल करना है और वो मुझे आप लोग बताएंगे कि डिनोमिनेटर नंबर कौन सा है। फर्स्ट नंबर में 2/4, 2/4 में शाबाश, 4 नंबर इज डिनोमिनेटर। नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। 6/9 में 9 नंबर, 1/2 में 2 नंबर, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। और इसको प्यारे तरीके से सर्कल भी कर रहे हैं मेरे साथ साथ, शाबाश, वेरी गुड। एंड द 4/5, 5 नंबर, वेरी गुड। ये तो बहुत मजे की एक्सरसाइज थी, आपने एंजॉय किया? वाह वेरी नाइस। चलें जी आगे बढ़ते हैं। राइट कंप्लीट फ्रिक्शन फॉर कलर्ड पार्ट्स इन द फॉलोइंग शेप्स। जो शेप्स गिवन है हमें, इसमें क्या करना है? इसमें इसका फ्रिक्शन लिखना है। फ्रिक्शन पार्ट कैसे लिखते हैं? हमने कलर तो कर लिया, हमें पता है ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं? आए हम लिखना भी सीख लेते हैं। सबसे पहली पिक्चर को देखते हैं। ये देखें, इस तरह से हमारे पास जितने पिक्चर के बॉक्सेस है ना, उस बॉक्स को जितना डिवाइड किया गया है, पहले उसको काउंट करना है। ओके, कितने बॉक्स हैं? बॉक्स तो एक ही है, उसको कट किया गया लाइन से, तो कितनी लाइंस में बॉक्स में डिवाइड हो गया है? देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नो नो नो, इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इट्स 8 लाइंस। ये मुझे लग रहा है स्क्वायर पिज्जा तो नहीं है, क्योंकि इसके जो पीसेस बन गए हैं वो तो पिज्जा जैसे लग रहे हैं, या आपको केक लग रहा था? हाँ, ये जो पिज्जा और केक लग रहा है वो कितने नंबर्स में डिवाइड हो गया है? 8 नंबर्स में, है ना? तो 8 पीसेस कहाँ लिखने हैं? बिल्कुल, एक लाइन लगानी है, लाइन लगी हुई है, वहां पे क्या लिखना है?
एट नंबर लिखना है। शाबाश, क्या आपने एट नंबर लिखा? लाइन के नीचे डिनोमिनेटर कहलाएगा वो नंबर जो टोटल नंबर होगा। शाबाश, एट नंबर लिख लिया। और कलर्ड कितने पीसेस हैं? पिज्जा के पीसेस कितने कलर्ड हैं? यानी कि आई थिंक स्पाइसी हैं। थ्री नंबर स्पाइसी हैं, तीन है ना, तीन कलर्ड है तो थ्री नंबर स्पाइसी हैं। तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो गया? 3/8। ठीक है, इस तरह से हम फ्रिक्शन को लिखते हैं। चलें आगे चलते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो सर्कल है, चलें सर्कल को हम नाम देते हैं, ये एक केक है, सर्कल केक। ओके, सर्कल केक के कितने पीसेस बनाए गए हैं? 4 पीसेस। टोटल पीसेस काउंट कर लेना, 4 है, 1 2 3 4। सो 4 पीसेस कहां लिखने हैं? डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे लिखने हैं लाइन से। 4 पीसेस लिखा, ओके, शाबाश। और कलर्ड कितने हैं? कितने आपने खा लिए हैं? जो कलर्ड है यानी कि आपने खा लिए, ठीक है। तो 2 पीसेस जो हैं वो कलर्ड हैं, वो आपके हैं। तो 2 पीसेस यानी कि 2 कहां लिखना है? न्यूमरेटर में लिखना है। वेरी गुड, शाबाश। और अगले पे आ जाइए, ये ओवल किसके जैसा लग रहा है? और कलर भी येलो किया गया है। हाँ, माइंड में आया एग, मेरे भी माइंड में एग ही आया। ये टाइप लग रहा है एग का। चलें, एग के कितने पीसेस किए हैं? 1 2 3 4। और ये टोटल 4 पीसेस कहाँ लिखे जाएंगे? डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे लिखा लाइन से नीचे 4 नंबर। वेरी गुड। और कलर्ड कितने पार्ट है, यानी कि आपका इसमें कितना हिस्सा है? ओनली 1, बाकी 3 मेरे हैं। 1 हिस्सा सिर्फ, कलर्ड पार्ट आपका है। तो न्यूमरेटर क्या कहलाएगा? 1 पार्ट। तो 1 आप लिखेंगे ऊपर, ठीक है। शाबाश, समझ आ रही है, मजा भी आ रहा है। चले नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब ये डिजाइन कैसी है? मुझे तो लग रहा है ये टाइल्स की डिजाइन है। क्या आपके घर में टाइल्स लगी हुई है ऐसे डिजाइन वाली? ओ वाओ, चले अब चेक करते हैं इसके कितने पीसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ख्याल से काउंट कीजिएगा, तो काउंटिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, यहाँ पे 8 पीसेस बने हुए हैं, तो कहाँ लिखे जाएंगे? टोटल पीसेस हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, डिनोमिनेटर में। 8 लिख लीजिए, शाबाश। और कितने कलर्ड हैं? काउंट 1, फिर 1 2, फिर 3, फिर 4, एक एक छोड़ के डिजाइन बनाई गई है। तो 4 कलर जो हैं वो कलर्ड हैं, ठीक है। तो कलर्ड पीसेस कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, न्यूमिनेटर में। 4 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखा 8, टोटल नंबर, डिनोमिनेटर। शाबाश, हो गया। तो ये बन गया 4/8। क्या आपका भी ऐसे ही फ्रिक्शन बन रहा है? इसी तरह से फ्रिक्शन पार्ट्स बनते हैं। आ चलते हैं अगले की तरफ। और ये क्या है? ये मुझे कुछ कैसा लग रहा है, ऐसा टॉय के जैसा लग रहा है कुछ। अच्छा जी, कितने पीसेज हैं इसके? 1 2 3 4, 4 पीसेस हैं। और 4 पीसेस कहाँ लिखे जाएंगे? डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में जब 4 पीसेस लिखे जाएंगे, तो कलर्ड पार्ट कहाँ लिखे जाएंगे? न्यूमरेटर में। कितने कलर्ड पार्ट हैं? 2 कलर्ड पार्ट हैं। तो 2 हमने लिख दिया न्यूमरेटर में, और 4 लिख दिया डिनोमिनेटर में। तो फ्रिक्शन पार्ट हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, अगले पे आ जाएं। बड़ा प्यारा सा ट्राइंगल बनाया गया है, और इस ट्राइंगल के कितने पार्ट किए गए हैं? 2 पार्ट किए गए हैं। और 2 पार्ट कहाँ लिखे जाएंगे? डिनोमिनेटर में। और कलर्ड कितने हैं? ओनली 1 पार्ट, 1 पार्ट कलर्ड है, 1 पार्ट विदाउट कलर है। सो जो कलर्ड पार्ट होता है वो कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है, न्यूमिनेटर में। तो ये क्या फ्रिक्शन बन गया? 1/2, ठीक है, शाबाश। और नेक्स्ट, और नेक्स्ट, और नेक्स्ट, यू विल डू। कैसे करेंगे? टोटल नंबर काउंट करेंगे नीचे लिखेंगे, और कलर्ड पार्ट काउंट करेंगे ऊपर लिखेंगे। बहुत आसान है। और इसी तरह से हम फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। जब टीचर आपको कॉल करें तो उनको बताइएगा कि आज हमने बहुत मजे की एक्सरसाइज की, जिसमें हमने फ्रिक्शन पार्ट को लिखना सीखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ पेज नंबर 40 कंप्लीट होता है। अपना होमवर्क जरूर कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.